युगों युगों तक चलता रहेगा। आपका यह कारवा होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोलबम कांवड़ यात्रा का ये सफलतम 18वां वर्ष है। बोलबम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास। नमस्कार, मैं आशा चौहान, आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए देखते हैं अभी की ताज़ा खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की तरफ। नरसिंहपुर में एकता यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। यात्रा के दौरान कांग्रेसियों को बढ़ाया एकता का पाठ। गुना जिला में अवैध रेत परिवहन पर कार्यवाही करने पहुंचे तहसीलदार पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान तहसीलदार को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। प्रदेश भर में बस हड़ताल के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक आने जाने की परेशानी का सामना करना पड़ा। बस चालक और परिचालक द्वारा नए अधिनियम का किया जा रहा है विरोध। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में खाद्य विभाग ने कार्यवाही कर खाद्य पदार्थ के नमूने लिए, बल्कि पंचनामा बनाकर 4 दर्जन से अधिक घरेलू सिलेंडर जब्त किए। इस कार्यवाही से शहर में हड़कंप मच गया। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर और कांग्रेसियों को एकजुट करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति नरसिंहपुर पहुंची, जहां समिति अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कांग्रेसियों को एकता का पाठ पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह एकात्म यात्रा को लेकर नरसिंहपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले और उन्हें एकता से जीत का पाठ पढ़ाया। इसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने वादा किया था कि ना खाने दूंगा और ना खाऊंगा, लेकिन रफेल मामले में चुपचाप सौदेबाजी हुई, यहां तक कि वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री की भी जानकारी नहीं दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे 10 साल के कार्यकाल में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, मगर मैं प्रामाणिकता के साथ शिवराज सिंह पर 3 आरोप लगा रहा हूं कि व्यापम में भ्रष्टाचार इनकी सहमति से हुआ और इनका परिवार शामिल है। अवैध उत्खनन में शिवराज सिंह का पूरा परिवार शामिल है। कुपोषण मिटाने के लिए पोषण आहार की खरीदी में शिवराज सिंह का परिवार शामिल है। मैं शिवराज और उसके परिवार पर सीधा आरोप लगा रहा हूँ, यदि साहस हो तो मुझ पर मानहानि लगाकर दिखाओ। देशद्रोह के आरोपों पर दिग्विजय ने कहा कि जिस पर मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक पत्र लिखा कोई और आरोप लगाता तो मैं अनदेखी करता, मगर निर्वाचित मुख्यमंत्री मुझ पर झूठा आरोप लगाए जबकि पुलिस उसे खुद नकार रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह झूठा है और मैं उस पर मानहानि का करने जा रहा हूँ। मुझ पर आरोप लगाया दिग्विजय सिंह देशद्रोही, लेकिन जब मैंने पत्र लिखकर उनके पास भेजा, उसकी कॉपी डीजीपी साहब को भी दी, मुख्य सचिव को भी दी, और कोई आरोप लगाता तो मैं उसको अनदेखा कर देता। लेकिन मध्य प्रदेश का निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिसके पास पुलिस है, इंटेलिजेंस है, संविधान की शपथ ले चुका है, वो मुझ पर झूठा आरोप तो नहीं लगाएगा, ये मेरी उम्मीद थी। मैंने उनसे कहा कि मैं फला 26 जुलाई को टीटी नगर थाना, जो कि जहां मैं रहता हूं सिविल लाइन शामला हिल पर, वहां पर उसके थाना टीटी नगर है, मैं कहा कि मैं 26 जुलाई को आपके यहां उपस्थित होऊंगा 1 बजे, आपके पास प्रमाण हो तो मुझे अरेस्ट करिए। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे टीआई साहब ने लिख के दिया कि ना हमारे पास कोई प्रमाण है, ना आपके ऊपर कोई केस है। तो फिर इसका मतलब यह है, अगर मध्य प्रदेश की पुलिस सही है तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह झूठा है।
बुरहानपुर के ग्राम कारखेड़ा के माध्यमिक शाला में जिला शिक्षा अधिकारी आरएल उपाध्याय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इंदौर स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं मिला, इस पर शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ग्राम कारखेड़ा पहुंचे, जहां एक भी शिक्षक नहीं मिला, जबकि अतिथि शिक्षकों का पहले ही दिन था। इस दौरान बच्चों ने बताया कि प्रधानाचार्य प्रहलाद अक्षर स्कूल में मौजूद नहीं रहते हैं। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी उपाध्याय ने प्रधानाचार्य को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। निरीक्षण के दौरान गायब रहे दोनों शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बस नियमित स्कूलों का निरीक्षण है, इसमें ये देख रहे हैं कि शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति, एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के जाति प्रमाण पत्रों के फॉर्म भरवाना, उनकी किताबों का वितरण हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ साइकिल से वंचित तो नहीं है, है ना, पात्रताधारी बच्चा, बस उसी के संबंध में आज इस ब्लॉक का स्कूलों का निरीक्षण। गुना जिले के मधुसूदनगढ़ के तहसीलदार को क्षेत्र में कई दिनों से मुरम व रेत का अवैध परिवहन करने की शिकायत मिल रही थी। जब तहसीलदार कार्यवाही करने पहुंचे तो रेत ठेकेदार और ट्रैक्टर चालक सहित साथियों ने हमला कर दिया। इस दौरान तहसीलदार मौके से जान बचाकर भागे। दरअसल तहसीलदार लोकेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने रात 8 बजे के लगभग सुठालिया रोड शिवपुरा के पास एक ट्रैक्टर रेत से भरकर बेचने जा रहा था, जिसे मधुसूदनगढ़ तहसीलदार ने रोककर मौके पर जब्ती पंचनामा बनाकर ट्रैक्टर को ले रहे थे। तभी ड्राइवर सहित उसके साथियों ने तहसीलदार पर हमला कर दिया तो तहसीलदार ने भाग कर अपनी जान बचाई एवं बलपूर्वक रेत से भरा ट्रैक्टर छुड़ा कर ले गए। बताया जा रहा है कि श्री कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार डंपरों से मुरम का अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं। मामला ये है कि मैं अचानक मेरे को सूचना मिली कि अवैध परिवहन करते हुए रेत का ट्रैक्टर रेत भरकर निकल रहे हैं, तो मुझे पता लगा कि सुडाली रोड पर ट्रैक्टर निकल रहे हैं, तो मैं वहाँ गया, मौके पर जा रहा था तो सामने एक ट्रैक्टर आता हुआ सुडालिया की तरफ से नलखेड़ा के पास आता हुआ दिखाई दिया, तो हमने उसको रोका। पहले तो उसने हमारी जीप में टक्कर मारने की कोशिश की, जब मैंने उतर के अपना हाथ से रोका तो उसने मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की है, और मैं अपनी सुरूप से बाल बाल बच गया है, और मैं वहाँ से भाग गया, वहाँ से तो बच गया, और उसने इस ट्रैक्टर को कंधे में पटक दिया। और ट्रैक्टर मालिक का पता चला सर कौन? ट्रैक्टर मालिक का नाम मेरे को जो बताया ड्राइवर ने, वो राधेश्याम सोनिया सुठालिया का। मध्य प्रदेश सरकार भले ही ग्राम पंचायतों के विकास के लिए कई योजनाएं लागू करे ताकि गांव-गांव में विकास हो सके, लेकिन जिलों में बैठे अधिकारी क्या इन सपनों में पानी फेर रहे हैं। जी हां, पन्ना में ग्राम पंचायत सकरिया में जब न्यूज 29 इंडिया की टीम गई और सरपंच पति का स्टिंग ऑपरेशन किया तो पता चला कि पंचायत चलाने वाले उपयंत्री ही सरपंचों को परेशान कर उनके पंचायत के कामों को ठेके में लेते हैं और सरपंच को उनकी कमीशन दे देते हैं। कोरी ऐसी कुछ नाम है, कोरी हो, कोरी साहब है, हाँ। नहीं है। सरपंच पति ने ये भी बताया कि मेरे पंचायत में 5 लाख की सड़क स्वीकृत हुई थी और इस सड़क का ठेका उपयंत्री ने 4 लाख में ले लिया, लेकिन सड़क की गुणवत्ता सही नहीं है, उपयंत्री ने पैसे खाकर तालम टोल कर दिया है। ठीक है, पैसे तुम्हारे काम का नहीं कर रहे, तो नहीं ठेका दे तो तुम्हें बच्चे का हमारी पंचायत को काम खराब हुआ। संजीव जैन यार उपयंत्री कहा वो उपयंत्री है, शासकीय कर्मचारी है। अच्छा बोले ठेका में सभी पंचायत है मतलब फाला के लाने तो जो कितने को काम कहा भैया कुछ नहीं 5 लाख को रहा तो उनका कितने में दो अपन ने अपन ने दो 4 लाख चार में दो तो फुल कंप्लीट कर फुल कंप्लीट कर और फिर 1 लाख रुपया में 1 लाख है बची सेक्रेटरी को भी चाहने सरपंच को भी चाहने और फिर एसडीओ को भी चाहने उनके द्वारा ठेके पर खुद ठेका लेकर रोड बनाई जा रही सीसी रोड जबकि ये पंचायत के को बनाना चाहिए तो सरपंच को या सेक्रेटरी को मिल गई। नहीं मेरा सिर्फ इसमें इतना कहना है पंचायत की जिम्मेदारी है काम कराना, पंचायत का सरपंच का प्राथमिक दायित्व है, ठेका किसको दिया गया किसको नहीं दिया गया ऑन पेपर अगर कोई रिकॉर्ड पे होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। राजगढ़ जिले के लीमा चौहान थाना अंतर्गत ग्राम पाडलिया माताजी से दूध लेकर बेचकर घर काचरिया भाई जा रहे फरियादी मनोज प्रजापति को
पाटलिया माताजी निवासी सोएब जावेद परवेज और फरमान ने रास्ता रोककर मारपीट की, जिस पर ग्राम काचरिया सहित करीब 5 गांव के लोग पाटलिया माताजी पहुंच गए। मामला बढ़ता देख थाना प्रभारी सुरेंद्र यादव ने एसपी सिमाला प्रसाद को विवाद की जानकारी दी। इसके बाद एसडीएम शिव सिंह सोलंकी व एसडीओ प्रकाश मिश्रा, नायब तहसीलदार कन्हैयालाल चौहान मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाइश दी। बाद में फरियादी मनोज प्रजापति की रिपोर्ट पर मामला कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। मनोज का कहना है कि आरोपियों ने 13,000 रुपए भी लूटे हैं, मगर इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। पाटले माता जी आए थे, पाटले माता जी दूध देकर वापस जा रहे थे, तो बीच में 4 लोग मिले हमको और उन्होंने छेड़छाड़ी की और मारा पीटा। काय के लिए मारा पीटा? और कुछ भी नहीं बोले, वो नहीं बोले कि तुम्हारे पास पैसे क्या है, पैसे क्या नहीं। तो फिर क्या हुआ? और फिर पैसे छुड़ा लिया हमसे। और कितने पैसे? 13,500। रिपोर्ट यहाँ जब थाने पर प्राप्त हुई तो थाने पर जो है उनका अपराध 341, 294, 506, 323, 327, 34 भादावी के तहत उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। खंडवा में लोक सेवा वाहनों की हड़ताल के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक आने जाने के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खंडवा के मुख्य बस स्टैंड पंडित माखनलाल चतुर्वेदी सहित दादाजी बस स्टॉप से बसें नहीं चली, इस कारण यात्रियों को दिन भर परेशान होना पड़ा। बताया जा रहा है कि बस के चालक परिचालकों द्वारा सरकार द्वारा नए अधिनियम को लेकर हड़ताल की जा रही है। इस अधिनियम में चालक व परिचालक पर सजा का प्रावधान है, सरकार से इसे बदलने की मांग की जा रही है। इधर यात्रियों का कहना है कि मात्र 40 से 50 किलोमीटर दूर की यात्रा करने पर रिक्शा चालकों द्वारा 3 से 4 गुना अधिक किराया वसूला जा रहा है। ये जो पंजीयन से आपकी हड़ताल करी जा रही है, ये जो देश में काला कानून चलाया केंद्र सरकार की तरफ से, काला कानून चल रहा है, ये पिछले 3 सालों से इस कानून को आगे बढ़ा रही है, लेकिन हमने 3 बार 4 बार इस हड़ताल को जारी रखकर इस कानून को रोका गया, लेकिन हर बार सरकार इसमें नए नए संशोधन करके इसको आगे बढ़ाती है। इस बार भी 18 जुलाई से 30 अगस्त तक राज्यसभा में इसको उन्होंने पारित करने के लिए रखा गया है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसमें जितने भी ड्राइवर चालक परिचालक है उनके लिए ये समझ लो फांसी का फंदा। टैक्सी करके यहाँ आए जो है, जो हमारा वाजिब किराया था, अगर हम बस डिपो को देते जो है या बस सरकारी बस को देते थे, उससे कई गुना ज़्यादा हमसे वो टैक्सी वाला लिया, इससे हम लोग परेशान हुए जो है। हमको 3 घंटा तक इंतजार करना पड़ा ओंकारेश्वर बस स्टैंड पे, और उसके बाद जो है ये हड़ताल जो है ये एसटी की, ये ड्राइवर लोगों की हड़ताल है, ये सरासर अन्याय है, ये पब्लिक के साथ अन्याय है। जो 3:30 बजे के पहले बस नहीं है और वो भी 300-205 का ये सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आवारा मवेशी वाहन चालकों की परेशानी बनती जा रही है। इतना ही नहीं, कई बार तो वाहन चालक हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना तब सामने आई जब भारी वाहन की चपेट में एक मवेशी आ गया, हालांकि पुलिस ने वाहन चालक पर केस दर्ज किया है। नगर की सड़कों और चौराहों पर शाम ढलते ही आवारा मवेशियों का जमावड़ा लग जाता है। ग्राम राला के पास अकाबलिया में एक ट्रक की चपेट में मवेशी आ गया, जिससे मौके पर 2 मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई। इनसे एक मवेशी गर्भवती थी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक पर केस दर्ज कर लिया है। मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा सूचित किया गया सुबह 9 बजे की एक गाय ने मर चुकी है और वो ट्रक के नीचे फंसी पड़ी है अकाबलिया पे। मैं आया, देखा यहाँ पर कोई नहीं था, सरपंच को फोन लगाया, सरपंच ने बोला ये काम मेरा नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, 2 गाय यहाँ की जगह मरी पड़ी है, ठीक है ना। मैंने फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, अब देखते हैं क्या होता है। सीहोर जिले की नसरुल्लागंज में 4 बच्चों की मां ने छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया। आरोपी ने छेड़छाड़ के दौरान किसी को बात बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के दौरान महिला का पति घर पर नहीं था। लाड़कोई क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि ग्राम बिजला में खेत पर बने मकान में रहकर मजदूरी करते हैं। 5 अगस्त की रात को 4 बच्चों के साथ सोई थी, तभी करीब 9 बजे रात को ग्राम सेवनिया निवासी करण बारेला, पिता शोभा राम बारेला आया और बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने किसी को बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच पति देव नारायण मीणा ने देख कर आरोपी भाग गया।
सीहोर जिले की नसरुल्लागंज में खाद्य विभाग ने कार्यवाही कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए बल्कि पंचनामा बनाकर 4 दर्जन से अधिक घरेलू सिलेंडर जब्त किए। इस कार्यवाही में शहर में हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग द्वारा नसरुल्लागंज मिष्ठान भंडार होटलों भोजनालयों एवं किराना दुकानों पर छापेमार कार्यवाही की गई। इससे सभी कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान अधिकारियों ने होटलों से 4 दर्जन से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर बरामद कर पंचनामा बनाया। वहीं होटलों के खाद्य पदार्थ के नमूने लेते हुए साफ सफाई कमेटी की हिदायत दी। कार्यवाही के दौरान व्यवसायियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इधर हाईवे किनारे संचालित हो रहे ढाबों पर भी कार्यवाही की गई, जहाँ जब्त कर लिया गया है। इसके बाद शहर की किराना दुकानों पर भी कार्यवाही की गई, सैंपलिंग की कार्रवाई की गई, जिसके तहत हमने इमरती जलेबी के सैंपल लिए हैं और अन्य मिठाई के भी सैंपल लिए हैं और दूषित खाद्य सामग्री को फेंकवाया है। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज क्षेत्र में बिना नंबर के रेत से भरे डंपर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। बिना नंबर के डंपर होने से कई बार हादसे के दौरान कार्यवाही नहीं हो पाती है। पुलिस ने ऐसे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की। इंदौर भोपाल रोड पर बिना नंबर और बिना दस्तावेज के धड़ल्ले से दौड़ रहे वाहनों पर पुलिस ने चालानी कार्यवाही की। ये कार्यवाही थाने के सामने की गई। इस दौरान वाहन चालकों को नंबर प्लेट लगाने और दस्तावेज साथ रखने की हिदायत दी गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश। युगों युगों तक चलता रहेगा आपका यह कारवा, होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोलबम कांवड़ यात्रा का ये सफलतम 18वां वर्ष है। बोलबम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास।